कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नैनसैट समीकरण पढ़ी थी और नैनसैट समीकरण का पिछली क्लास में मैंने आपको एक अनुप्रयोग, एक उपयोग बताया था। वो उपयोग बताया था सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। नैनसैट समीकरण की सहायता से दोस्तों हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, और सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए ये नैनसैट समीकरण हम काम में लेते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। ये नैनसैट समीकरण हम काम में लेते हैं अगर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। यहाँ ई सेल है सेल का विद्युत वाहक बल, ई नॉट सेल है सेल का मानक विद्युत वाहक बल, एन है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के मोल, पी है उत्पाद की सांद्रता, आर है क्रिया कारक की सांद्रता, और गुणांक कहाँ लगाते हैं? घातों में। तो हम नैनसैट समीकरण का एक अनुप्रयोग पढ़ चुके थे, लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे। अब हम नैनसैट समीकरण का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं, और दूसरा अनुप्रयोग है नंबर दो, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। नैनसैट समीकरण का दूसरा अनुप्रयोग है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। देखो दोस्तों, अगर प्रैक्टिकली हम सोचें तो आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब अपचयन विभव ज्ञात करना। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता लेते हैं। ध्यान करो, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए संदर्भ इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हम सहायता लेते हैं, पर वो प्रैक्टिकली हो गया। अब हम नैनसैट समीकरण की सहायता से भी किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं, पर यहां पर हमें ये नैनसैट समीकरण काम में लेनी है। E रिडक्शन बराबर E नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 उत्पादों की सांद्रता बटे क्रिया कारकों की सांद्रता। ये भी नैनसैट समीकरण ही है, पर ये कहां से आई, इसका बुक में उल्लेख नहीं है, तो कोई औचित्य नहीं है। ये भी नैनसैट समीकरण है, इसमें देखो जो मैंने पहले नैनसैट बताई थी जो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के काम आती है, वहां ई रिडक्शन की जगह ई सेल था और ई नॉट रिडक्शन की जगह वहां ई नॉट सेल था, बाकी मैच कर रहा है। यहाँ ई रिडक्शन क्या है? यहाँ ई रिडक्शन जो है ये है इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव, या इलेक्ट्रोड विभव कह लो, इलेक्ट्रोड विभव का मतलब अपचयन विभव। और यहां ई नॉट रिडक्शन क्या है? ई नॉट रिडक्शन है इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव, मतलब विलयन की सांद्रता जब 1 m हो तो अपचयन विभव, इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव। बाकी वही है सारे, दो ही चीज तो केवल चेंज हुई है। तो ये है, आप मेन नैनसैट को याद करें ई सेल वाली को, पर अगर किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात करना है तो सेल की जगह रिडक्शन लिख दें। ई रिडक्शन है इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव जो हमें ज्ञात करना है, और ई नॉट रिडक्शन है इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव। क्लियर? अच्छा, एक खास बात, ये नैनसैट समीकरण आप जब भी काम में लोगे,
तो हमेशा अभिक्रिया। भाई नैनसेट समीकरण जब हम काम में लेते हैं वो तो अंत में काम में लेते हैं, पहले ध्यान करो अभिक्रिया लिखते हैं। तो जब भी ये नैनसेट लगाओगे हमेशा अभिक्रिया अपचयन की लिखनी है, इसको दिमाग में बैठा लो। ये नैनसेट आपको लगानी है तो हमेशा अभिक्रिया अपचयन की लिखनी है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कोई एनोड है, इलेक्ट्रोड है, और वो इलेक्ट्रोड कौन है, एनोड है, और उसका आपको अपचयन विभव ज्ञात करना है। तो लड़का सोचता है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखें क्योंकि एनोड है, एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। पर मैं कह रहा हूं ये नैनसेट आप काम में लेते हो तो अभिक्रिया अपचयन की लिखो, नहीं तो क्रिया कारक और उत्पाद चेंज हो जाएंगे। बात को समझ लो, तुम तो दिमाग में इतना बैठा हो कि जब भी ये नैनसेट समीकरण आप काम में लोगे तो अभिक्रिया आपको अपचयन की लिखनी है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा किस तरह से। उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके इसे यहां तक नोट कीजिए, फिर समझते हैं हम आगे। कर लिया नोट, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं एक क्वेश्चन देता हूं जिससे आपके समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन जिससे आपके समझ में आए, जिंक इलेक्ट्रोड ऐसे लिखूं, किसी वैद्युत रासायनिक सेल, क्वेश्चन है, के एनोड, और कोष्टक में ये ऐसे लिख दिया मैंने, इसका मतलब समझ जाओ एनोड जो है ये एनोड का सेल आरेख लिखा हुआ है। मतलब एनोड पर जिंक से जेडन प्लस टू बन रहा है, और एनोड किस धातु का है, फिर जिंक धातु का है। किसी वैद्युत रासायनिक सेल के एनोड का अपचयन विभव ज्ञात करो। यदि विलयन की सांद्रता, मतलब जो विलयन है उसकी सांद्रता 0.1 m है, तो क्वेश्चन से पहचानो कि दूसरी सावली नैनसेट लगेगी, इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात करवा रहा है। और इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात करने के लिए नैनसेट लगेगी ई रिडक्शन वाली, वो नैनसेट हम लास्ट में लगाएंगे। एक चीज और उसने कोष्टक में दी है, ई नॉट जेडन प्लस टू ऑब्लिक जेडन, मतलब क्या है, ये दिया है एनोड का मानक अपचयन विभव। अपचयन विभव है देख लो जेडन प्लस टू ऑब्लिक जेडन, जेडन प्लस टू से जेडन बन रहा है, अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव दिया है, और वो दिया है माइनस के 0.76 वोल्ट, ये भी उसने दिया है हमें। ठीक है, तो हमको क्या क्या दे रखा है उसने, ई नॉट रिडक्शन दे रखा है और ई रिडक्शन ज्ञात करना है। ई रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव। पहले अभिक्रिया लिखोगे आप, नैनसेट तो बाद में, हमको लिखनी है अभिक्रिया। मैंने पहले ही कहा है अभिक्रिया अपचयन की लिखनी है। हालांकि अभिक्रिया चल तो ये रही है कि जेडन से क्या बन रहा है, जेडन प्लस टू, पर हमें अभिक्रिया अपचयन की लिखनी है, जेडन प्लस टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है, जेडन, ये अभिक्रिया लिखनी है, ये ही लिखनी पड़ेगी अभिक्रिया अगर आपको नैनसेट लगानी है ई रिडक्शन वाली, तो अपचयन की ही अभिक्रिया आएगी। ध्यान से देख लो, भले ही एनोड है तब भी अभिक्रिया अपचयन की आएगी, चाहे कैथोड है अभिक्रिया तब भी अपचयन की आएगी। अब नैनसेट लगा दीजिए, ई रिडक्शन बराबर ई नॉट रिडक्शन,
माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 उत्पादों की सांद्रता बटे क्रिया कारकों की सांद्रता, ये ज्ञात करना है। ये है इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव, इनऑर्डक्शन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव जो दे रखा है 0.76 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के मोल 2 जो अभिक्रिया में मिलेंगे आपको लॉग 10 उत्पाद की सांद्रता उत्पाद जड़न बटे क्रिया कारक की सांद्रता क्रिया कारक जड़न प्लस 2 दोनों की सांद्रता। ये धातु है तो सांद्रता कितनी लिखोगे इसकी, एक, मतलब इसको हटा दोगे और जब हट जाएगा तो एक लिख देते हैं, धातु की कोई सांद्रता नहीं होती। ये जेडन प्लस टू आयनों की सांद्रता वही होगी जो बिलियन की सांद्रता है, क्योंकि बिलियन में जेडन प्लस टू आयन होंगे। तो ई रिडक्शन बराबर क्या आ जाएगा, ई रिडक्शन बराबर आ जाएगा 0.76 माइनस, भाग दे लो फटाफट, 0.03 के आसपास आएगा। अरे इसको 0.06 मान लीजिए तो कितना आ जाएगा 0.03 लॉग 10 ऊपर 1 बटे जेडन प्लस 2 आयनों की सांद्रता कितनी है 0.1, तो ये 10 बन जाएगा, लॉग 10 का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया। तो इसको हटा दो, आगे तो कर लोगे, ई रिडक्शन बराबर आ जाएगा 0.76 माइनस 0.03 तो ये आ जाएगा 0.73 सही है। अरे मुझको गलती हो गई, ये माइनस में है भाई और माइनस में है तो ये जुड़ जाएगा, माइनस के 0.76 और माइनस के 0.03 ये हो जाएगा माइनस के 0.79 वोल्ट। तो तुम्हें मेन बात समझनी है, अगर किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव आपको ज्ञात करना है तो ये 96 लगेगी, और इस 96 को यूज में लेने से पूर्व जो अभिक्रिया लिखी जाएगी वो अभिक्रिया आपको अपचयन की ही लिखनी है। क्लियर? तो आप वीडियो को पॉज करके बिताओ, इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं जो बुक का क्वेश्चन है, क्लियर, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। एक किताब का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो किताब का क्वेश्चन है और आपको करके मुझे भेजना है, कमेंट में उसका आंसर डालना है। बोलता हूं मैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का, कॉपर सीयू लिख दे, कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट, ये तो मानक अपचयन विभव दिया है, इलेक्ट्रोड विभव का मतलब अपचयन विभव है, तो पॉइंट एक मोलरता कॉपर आयनों युक्त बिलियन के कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए, के
इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए। तो कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव, इलेक्ट्रोड का विभव पूछा है तो उसने, तो सीधी सी बात है नैनसेट का क्वेश्चन है। अच्छा तो नैनसेट लगाने से पूर्व अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। कॉपर इलेक्ट्रोड है तो अभिक्रिया अपने दिमाग से लिख लो, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा Cu। अभिक्रिया बेटा अपचयन की ही लिखनी है, और आपको डेनियल सेल याद आ गया होगा, यही अपचयन की अभिक्रिया चलती है कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो अब लिख दीजिए, अब तो आगे करिए, ई रिडक्शन बराबर ई नॉट रिडक्शन, विलयन की सांद्रता दे रखी है 0.1 m, मानक अपचयन विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, तो आप रिएजेंट लगाइए, ई रिडक्शन बराबर ई नॉट रिडक्शन -0.0591 अपॉन एन लॉग 10 उत्पादों की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। Cu+2 आयनों वाले विलयन की सांद्रता दे रखी है, एन का मान 2 है ही है, ई नॉट रिडक्शन आपको दे रखा है। अब आगे मैं नहीं करूंगा, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और जो आपके बुक का है। क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है। पीएच बराबर 10 वाले, समझ लो इसको तुम पर नहीं होगा और इसको आप पूछने आते हो पीछे मुझसे, तो अभी समझ लो। पीएच बराबर 10 वाले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात करें, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें, कैसे भी लिख लो, अपचयन विभव ज्ञात करो जिसकी पीएच कितनी है 10 है। थोड़ा सा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर वापस चलते हैं, ये आपने पढ़ा था, संदर्भ इलेक्ट्रोड है एक, इस तरह का एक पात्र होता है उसमें, जिसमें HCl का विलयन भरा होता है, HCl का विलयन भरा होता है जिसकी सांद्रता होती है 1 m, इसमें 1 मोलरता का HCl का विलयन भरा होता है, ठीक है? अच्छा, इसमें प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम का टुकड़ा लटका होता है जो प्लेटिनम ब्लैक से लेपित होता है। इसमें ध्यान करो, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम का टुकड़ा प्लेटिनम के तार से लटका होता है, और प्लेटिनम का तार एक कांच की नली में फ्यूज होता है, और इस कांच की नली में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है 1 ATM पर, जो इस विलयन में आती है, मतलब इस विलयन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था जो कि एक संदर्भ इलेक्ट्रोड था, इसकी सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड का हम विभव ज्ञात कर सकते हैं, अपचयन विभव ज्ञात कर सकते हैं। देखो, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड भी बन सकता है, आवश्यकता पड़ने पर कैथोड भी बन सकता है, जैसे ये कोई अन्य इलेक्ट्रोड है, ये, और अगर विद्युत धारा ऐसे चल रही है, ये कनेक्ट कर दिए दोनों आपस में, विद्युत धारा ऐसे जा रही है तो विद्युत धारा बाह्य परिपथ में जब जाती है तो विद्युत धारा किधर से किधर जाती है दोस्तों, याद करो, विद्युत धारा डैनियल सेल को याद करते हैं, विद्युत धारा बहती है कैथोड से एनोड की ओर, तो यहाँ ये कैथोड है और ये एनोड है अब, और अगर विद्युत धारा ऐसे बह रही होती तो ये एनोड होता, ये कैथोड होता। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों ही भूमिका निभा सकता है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भी भूमिका निभा सकता है, कैथोड की भी भूमिका निभा सकता है। जब ये एनोड के रूप में होता है तो इस पर अभिक्रिया ऑक्सीकरण की चलती है, कैसे चलती है? देखो, हाइड्रोजन गैस तो है ही है H2,
और हाइड्रोजन गैस से बनते हैं H प्लस आयन प्लस दो इलेक्ट्रॉन। ये अभिक्रिया तब चलती है जब ये एनोड की भूमिका निभाता है। जब ये एनोड बना होता है तो इस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया चलती है, H2 आवेश 0 से प्लस 1। ये भी आप कहीं ना कहीं नोट कर ही लेना कि जब ये एनोड की भूमिका में होता है तो ये अभिक्रिया चलती है, और कैथोड के रूप में होता है तो अपचयन की अभिक्रिया चलती है। विलयन में H प्लस आयन है ही है, HCl का विलयन है तो H प्लस आयन होंगे, उल्टी रिएक्शन चलेगी, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। मतलब जब ये एनोड के रूप में है तो ये अभिक्रिया चलेगी, और कैथोड के रूप में है तो ये अभिक्रिया चलेगी अपचयन की। क्लियर? अच्छा, पर इसने क्या किया है समझो, एक माइटर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसकी पीएच का पीएच कितनी है 10 है, और उसका अपचयन विभव ज्ञात करो। रोडका क्या कहता है, उसका अपचयन विभव सर ने बताया है 0 होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव 0 होता है। लड़का नहीं करता है क्वेश्चन को, गलत बात। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव 0 तब होता है जब उसके विलयन की सांद्रता 1 m हो। पर यहां पर दोस्तों विलयन की सांद्रता 1 m नहीं है तो इसका अपचयन विभव 0 नहीं आएगा। पहले क्लियर कर लो, विलयन की सांद्रता मतलब इसने क्या किया है, इस विलयन की सांद्रता चेंज की है, वास्तविकता तो यह है तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पर इसके विलयन की सांद्रता चेंज कर दी है। जब दोस्तों इसके विलयन की सांद्रता चेंज कर देगा तो इसका फिर अब अपचयन विभव 0 नहीं होगा। क्लियर? तो अब बात को समझ लो, ये भी आप नोट कर लेना कहीं भी पोज करके। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एनोड के रूप में यह अभिक्रिया चलती है ऑक्सीकरण की, कैथोड के रूप में अपचयन की, ये अभिक्रिया चलती है। पीएच 10 वाला मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, पीएच का मान 10 दिया है, इसका मतलब क्या है, पीएच 10 और पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग 11th क्लास एच प्लस आयनो की सांद्रता बराबर 10, ये पीएच का फॉर्मूला है। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस आयनो की सांद्रता, ध्यान करो 11th क्लास पर जाओ, नहीं पता तो याद रख लो, ये पीएच का फॉर्मूला है। तो उसने दिया है माइनस लॉग एच प्लस आयनो की सांद्रता बराबर 10। क्लियर? तो एच प्लस आयनो की सांद्रता कितनी आएगी, एच प्लस आयनो की सांद्रता आएगी 10 की पावर माइनस 10। लड़का कहता है कैसे आई, मैं इधर सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे आई। हमारे पास है माइनस लॉग एच प्लस आयनो की सांद्रता बराबर 10, दोनों ओर माइनस का गुणा कर देते हैं तो ये इस तरह का हो जाएगा है? एक बात बताओ, नीचे समझना, लॉग 100 का मान कितना होता है, लड़के ने कहा 2, सही है, लॉग 100 का मान 2 होता है, तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10 की पावर 2 बराबर 100, सही तो है, 10 की पावर 2 बराबर 100, तो फिर ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, 10 की पावर माइनस 10 बराबर एच प्लस आयनों की सांद्रता। मैंने कंफ्यूज कर दिया था बेटा, वो मेरी बातों को पकड़ लेना, बहुत बड़ा तोड़ है इनमें, 10 की पावर 2 बराबर 100। अरे लॉग 10 का मान ये कहता है, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10 की पावर 1 बराबर 10, सही तो है, तो ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 10 की पावर माइनस 10 बराबर एच प्लस आयनों की सांद्रता। तो बेटा इसका मतलब यही तो हुआ, एच प्लस आयनों की सांद्रता कितनी हो गई, 10 की पावर माइनस 10। अब क्लियर है ना, अब भी नहीं है, जैसे उसने कहा पीएच बराबर 5 तो एच प्लस आयनों की सांद्रता होती 10 की घात माइनस 5, पीएच बराबर 10 तो एच प्लस आयनों की सांद्रता हो गई 10 की पावर माइनस 10। बेटा वो ये मोलरता है, एक बात ढंग से क्लियर कर लो, मेरी बात है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था उसमें जो HCl का विलयन था उसकी सांद्रता एक थी, मोलरता एक थी, तो H+ आयनों की मोलरता भी एक ही थी,
तो तुम देख सकते हो कि यहाँ एच प्लस आयनों की मोलरता सांद्रता 10^-10 है, मतलब उसने बिलियन की सांद्रता परिवर्तित कर दी है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन विभव जीरो नहीं आएगा। तो यहां तक क्लियर कर लो पहले, तो और बात को छोड़ो। पीएच 10 है, पीएच होता है माइनस लॉग एच प्लस आयनों की सांद्रता, दोनों तरफ माइनस का गुणा किया ये -10 हो गया, तो एच प्लस आयनों की सांद्रता हो जाएगी 10^-10 है। अब हम कर सकते हैं, ठीक है। हम अभिक्रिया लिख लेते हैं, अपचयन की अभिक्रिया लिखनी है। अभिक्रिया अपचयन की आएगी H2। अपचयन की तो ये है, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बना H2। और अब हम नैनसैट लगाते हैं, ई रिडक्शन, ये अपचयन विभव ज्ञात करना है। ई नॉट रिडक्शन मानक अपचयन विभव -0.0591/(n)log10 उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता और गुणांक घातों में, भूल गए आप शायद, यहां गुणांक नहीं है, गुणांक घातों में जाएंगे। ई रिडक्शन ज्ञात करना है आपको, ई नॉट रिडक्शन मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव कब आता है? जब बिलियन की सांद्रता 1 m हो, और तुम्हें पता है उस समय मानक अपचयन विभव इसका कितना आता है? 0 आता है। अरे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जब बिलियन की सांद्रता 1 m हो उस समय इसका मानक अपचयन विभव 0 ही तो होगा, बताया तो है। -0.0591/(n) स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के मोल log10 हाइड्रोजन गैस है इसकी सांद्रता। लड़का कहता है कितने लिखें बेटा हाइड्रोजन गैस इसमें, इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस का दाब कितना होता है? 1 atm। ध्यान करो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm होता है, और गैसों की सांद्रता उनका दाब भी होती है। प्यार करो, कभी बताया था। तो यहां पर इसके दाब लिखेंगे हम 1 atm, तो सांद्रता ही है वो भी है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का दाब 1 atm वो सांद्रता है। H प्लस आयनों की, गैसों की सांद्रता उनका दाब होती है, ठोसों की कोई सांद्रता नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस H प्लस आयनों की सांद्रता ये रही 10^-10, और ऊपर घात 2 है। अब इससे ज्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकूंगा, अब ये आपको सॉल्व करना है। ये ऊपर जाएगा 10^-20 बन जाएगा, -20 आगे आ जाएगा, और आप फिर मुझे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आता है। कैलकुलेशन आपकी वीक है, मैंने महसूस किया है, तो मैंने यहां तक करा दिया, अब आपको आगे करना है और मुझे इसका आंसर सेंड करना है। क्लियर दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसको समझ गए ना इस क्वेश्चन को कि नहीं समझ में आया? वीडियो को वापस एक बार रिवाइज कर लेना, कहीं त्रुटि मत करना। शानदार क्वेश्चन है, समझना ही है आपको। आगे बढ़ते हैं, पोज करके नोट कर लेना इसको। दोबारा लिखू क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन था पीएच 10 वाले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात कीजिए। पीएच 10 वाले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात कीजिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम चैप्टर के एंड में हैं, बैटरियां पढ़नी है, बैटरियां, बैटरीज। बैटरियां क्या होती हैं? बैटरियां सेल ही होती हैं। बैटरियां वैद्युत रासायनिक सेल भी हो सकती हैं, बैटरियां वैद्युत अपघटनी सेल भी हो सकती हैं, मतलब बैटरियां सेल ही है, ठीक है। ये वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल,
यह दोनों तरह का सेल हो सकती है, मतलब एक ही बैटरी ऐसी हो सकती है जो वैद्युत रासायनिक सेल भी हो और वैद्युत अपघटनी सेल भी हो। ठीक है, बात यहां से पढ़नी है कि बैटरियां दो प्रकार की होती हैं। बैटरियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है प्राथमिक बैटरियां और एक होती है द्वितीयक बैटरियां। तो बैटरियां दो तरह की होती हैं, प्राथमिक बैटरियां और द्वितीयक बैटरियां। प्राथमिक बैटरियां क्या होती हैं? तो प्राथमिक बैटरियां वे होती हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं हो सकती हैं। डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं होती हैं, वो है प्राथमिक बैटरियां। जैसे दोस्तों मेरी बात को समझो, बैटरियां सेल ही तो है, जो दीवार घड़ी में सेल लगा हुआ है वो डिस्चार्ज हो जाता है जब, तो उसको फेंक देते हैं, वो पुनः चार्ज नहीं होता। हाथ घड़ी में छोटा सा सेल लगा होता है, वो जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं। ये प्राथमिक बैटरियां हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं हो सकती हैं। एक होती हैं द्वितीयक बैटरियां जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज हो सकती हैं। जैसी बैटरी जैसी अपने इन्वर्टर के संग लगी हुई है, वाहनों में लगी होता है, जैसे वाहनों में ये बैटरी लगी होती है जो अपने आप, अरे मोबाइल में लगी होती है जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज हो सकती है। तो बैटरियां दो भागों में बांट दी मैंने, चार्ज और डिस्चार्ज के आधार पर। जो बैटरियां डिस्चार्ज होने के बाद दोस्तों पुनः चार्ज नहीं होती हैं वो तो प्राथमिक बैटरियां हैं, और जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज हो जाती हैं वो द्वितीयक बैटरियां हैं। तो आप एक काम कीजिए, हेडिंग डालिए बैटरियां दो प्रकार की होती हैं और इस तरह से नोट कर लीजिए, नंबर एक प्राथमिक बैटरियां और नंबर दो द्वितीयक बैटरियां। पोज कीजिए और नोट कीजिए। कर लिया, अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम नंबर एक प्राथमिक बैटरियां। प्राथमिक बैटरियां इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, ये बैटरियां डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं हो सकती हैं या होती हैं। ये बैटरियां डिस्चार्ज होने के बाद, डिस्चार्ज होने के पश्चात, डिस्चार्ज होने के पश्चात पुनः चार्ज नहीं होती हैं। नहीं होती हैं, क्लियर? अब पढ़ेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण द्वितीयक बैटरियां। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण द्वितीयक बैटरियां। द्वितीयक नहीं, पहले पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिक बैटरियां। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लो पहले वीडियो को पॉज करके, फिर आगे देखेंगे। लिख लो नंबर एक प्राथमिक बैटरियां, इसमें लिख लो ये बैटरियां डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं होती हैं। डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं होती हैं। फिर डालो कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिक बैटरियां, कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिक बैटरियां। ठीक है, डाल दिया डिंग। अच्छा,
तो हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिक बैटरियां, जिसमें पहली ए शुष्क सेल, शुष्क सेल जो है ये एक प्राथमिक बैटरी है जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं होता है। सही है, शुष्क सेल जो है ये एक प्राथमिक बैटरी है जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं होता है। क्लियर, अब मेरी बात को सुनो ढंग से। शुष्क सेल जो है ये तुमने देखा है, शुष्क सेल का उपयोग दीवार घड़ियों में, दीवार घड़ी देखिए उसमें जो ये सेल लगा होता है ऐसा पेंसिल जैसा बड़ा सा सेल लगा होता है इस तरह का, वो सेल होता है शुष्क सेल। शुष्क सेल जो है इसकी खोज लैकलांसी नामक वैज्ञानिक ने की थी, अतः इसको लैकलांसी सेल भी कहते हैं। तो दो बात कही मैंने आपको, शुष्क सेल को इसके आविष्कारक लैकलांसी के नाम के आधार पर लैकलांसी सेल भी कहते हैं। वह इसका उपयोग दीवार घड़ी में ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर देखे वो रेडियो चलते थे पहले, वो मोटे मोटे सेल लगते थे, वो शुष्क सेल थे वो भी, ट्रांजिस्टरों में किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को लिख लो पहले फिर आगे समझते हैं। हेड डालो ए शुष्क सेल, लिखो शुष्क सेल को इसके आविष्कारक लैकलांसी के नाम के आधार पर लैकलांसी सेल भी कहते हैं। आगे लिखो, इसका उपयोग दीवार घड़ियों व ट्रांजिस्टरों में किया जाता है, लिख लिया। एक बात और लिखो, इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल सेल की पावर होती है, कैथोड और एनोड के विभवों का अंतर होता है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है वो अधिक पावरफुल होता है। तो इस शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है कितना, 1.5 वोल्ट, ये भी नोट कर लीजिए। अब इसकी बनावट देखते हैं कैसा होता है। देखो इधर ब्लैक बोर्ड पर, देखो इधर ये वो शुष्क सेल ही है, वो बीच में से काट दिया है जिससे ये अलग अलग हो गया। अरे वो गोल आता है तो बीच में से काट के इस तरह खोल दिया है। अब देखो इधर, इसमें तुम ध्यान करो, बीच में यहां पर एक पीतल की टोपी लगी होती है, है? और इस पीतल की टोपी से कभी उधम किया हो तो नीचे कार्बन की छड़ लगी होती है। ठीक है, तो ये तो गई पीतल की टोपी। और ये इसके अंदर बीच में, समझ गए, ये सेल है तो बीच में ये लगी हुई है कार्बन की छड़। ठीक है,
और ये जो बाहरी पात्र है पूरा, ये जिंक का बना होता है, जिंक का पात्र है। किसका पात्र है? ये जिंक का पात्र है, जस्ते का। ठीक है, अब इसमें क्या भरा होता है? ये कार्बन की छड़ है, जो कार्बन चूर्ण, ढंग से देखो, और MnO2 के मिश्रण से घिरी होती है। जो इसमें कार्बन की छड़ है वो दो चीजों के मिश्रण से, कार्बन चूर्ण और MnO2 के मिश्रण से, मैंगनीज ऑक्साइड के मिश्रण से घिरी होती है। इसमें यहां पर भरा होता है, ये दिख रहा है ना आप, शेष भाग खाली, यहां भरा होता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड व NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का गाढ़ा पेस्ट। तो ये क्लियर कर लो भाई, इसकी बनावट ठीक है, मतलब जो शुष्क शैल है इसका पात्र जिंक से बना बना होता है, सही है? जो शुष्क शैल है इसकी बनावट में जिंक का पात्र होता है। और आपको बता दूं थोड़ा सा, यही ये एनोड का कार्य करता है, और एनोड का चिन्ह कैसा होता है? नेगेटिव। ये एक वैद्युत रासायनिक शैली है। अरे ये दीवार घड़ी में लग रहा है तो दीवार को लाइट देगा ना, वैद्युत रासायनिक शैल है ये, जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है। ये जिंक का पात्र एनोड, एनोड नेगेटिव। और यहां जो कार्बन की छड़ है ये कैथोड का कार्य करती है, पॉजिटिव। कार्बन की छड़ किससे घिरी होती है? कार्बन चून और MnO2 के मिश्रण से। इसमें ये विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, मतलब इसमें भरा हुआ है ZnCl2 बाय NH4Cl का गाढ़ा पेस्ट। तो यहां अब आगे आप पहले नोट कीजिए, डायग्राम इसका बाद में बनाना, डायग्राम इसी तरह का बना लेना जैसे मैंने बनाया है। पहले आप नोट कीजिए फिर डायग्राम बाद में बनाना, लिखो उसी को आगे बढ़ाओ, लिखो शुष्क शैल की बनावट में, देखो शुष्क शैल की बनावट में जिंक का पात्र होता है, जो एनोड का कार्य करता है, जो एनोड का कार्य करता है। लिख लिया, आगे लिखो कार्बन चूर्ण व MnO2, कार्बन चूर्ण व MnO2 के मिश्रण से घिरी हुई MnO2 के मिश्रण से घिरी हुई मध्य में कार्बन की छड़ होती है, कार्बन की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है, जो कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, आगे लिखो जिंक के पात्र में छड़ के मध्य, जिंक के पात्र व कार्बन की छड़ के मध्य, जिंक के पात्र व कार्बन की छड़ के मध्य ZnCl2 व NH4Cl का, ZnCl2 व NH4Cl का गाढ़ा पेस्ट भरा होता है।
गाढ़ा पेस्ट भरा होता है, यहां तक लिख लिया, ये आपकी बनावट हो गई है। अब इसमें अभिक्रिया देखनी है, उसको देखने से पहले आप लगे हाथ संग संग वीडियो को पॉज करके इसका डायग्राम भी बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया है इसी तरह का, इसका डायग्राम भी बना लीजिए फटाफट। हाँ भाई, अब आगे देखिए, अब आगे बात करते हैं इसकी, इसकी एनोड और कैथोड की अभिक्रियाएं देखते हैं, ठीक है। एनोड और कैथोड की अभिक्रिया, बेटा हो एनोड का काम जिंक का पात कर रहा है, देखो जिंक के पात्र से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो उपकरण में होते हुए वापस यहां आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये उपकरण लगा है मान लो भाई एनोड, ध्यान करो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण केमिकल निकलती है, वो ऐसे होते हुए पीतल की टोपी में आएंगे और अंदर चले जाएंगे और अंदर वो कार्बन की छड़ में से बिलियन में चले जाएंगे। तो ये एनोड का काम करेगा जिंक का पात्र और ये कैथोड का काम करेगा। सेल को हम ऐसे लगा देते हैं उपकरण में, ध्यान से देखो, तो एनोड से जिंक के पात्र से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वापस उपकरण में होते हुए अंदर आ जाते हैं पीतल की टोपी के माध्यम से, और विद्युत धारा ऐसे बहती है उपकरण में उसके इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के विपरीत दिशा में। दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करें, रटे नहीं, क्लियर। अब इसकी अभिक्रिया देखते हैं, वो आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने इतना समझा दिया, अब इसके बाद आगे तो याद करनी पड़ेगी। अभिक्रियाओं के लिए मैं मिटा रहा हूं इसलिए। सबसे पहले लिखते हैं एनोड की अभिक्रिया, एनोड की अभिक्रिया, बेटा एनोड किस पाकिस धातु का था, इसमें जिंक का, एनोड पर ऑक्सीकरण नहीं होता है ना, ये है तो विद्युत रासायनिक सेल, तो ZM से क्या बनेगा, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, पेपर में आया है कई बार, इसका डायग्राम बनवा लेता है, इसकी अभिक्रियाएं लिखवा लेता है, समझ रहे हो, डायग्राम और अभिक्रिया में ही कंप्लीट मैटर आ जाएगा। तो एनोड की अभिक्रिया ये हो गई, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिंक का बना हुआ है, ऑक्सीकरण हो गया। कैथोड की अभिक्रिया, देखो कैथोड का काम कौन कर रही थी, कार्बन की छड़, कार्बन की का कुछ नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन कार्बन की छड़ में होते हुए अंदर फैल जाते हैं, तो अंदर कौन है, MnO2 है, अंदर NH4Cl होने की वजह से NH4+ आयन है, वो गाढ़ा पेस्ट है, पानी मिला हुआ पेस्ट है, ढंग से देखो, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे एनोड से, और MnO2 ऐसे समझो NH4+ से इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो ये NH4 में कन्वर्ट हो गया, जो ऐसे टूट जाएगा NH3+H में, और H यहां जुड़ जाएगा, जब यहां H जुड़ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnOOH, अब MnOO2, MnO2 था ना, एक H जुड़ गया ना, H कहां से आया, NH4+ से इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH4 में, ये NH3 और H में टूटा, ऐसे समझो आप इसे, ये H यहां जुड़ गया, NH3 बच गया, और क्या बच गया, NH3, ढंग से देख लो, ये कैथोड का अभिक्रिया हुई, इसको बैलेंस करते हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर कर लेते हैं, क्योंकि सेल अभिक्रिया लिखनी है हमको, सेल अभिक्रिया लिखने के लिए क्या करते हैं, एनोड और कैथोड की अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन बराबर करके उन्हें जोड़ देते हैं, तो मैं इसमें 2 का गुणा कर लेता हूं, 2 2 2 याद करनी है आपको। अच्छा, एनोड पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ZN का, और कैथोड पर किसका अपचयन हो रहा है, MN का, यहां MN का ऑक्सीकरण अंक है +4, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो दोनों का -4, MN का +4, OH का -1, O का -2, MN का रह जाएगा +3, MN का अपचयन हो रहा है इसमें, MN का आवेश +4 से कितना रह जाएगा, ऑक्सीकरण अंक +3,
ये रिएक्शन है देख लो, अब इसको जोड़ दोगे तो आ जाएगी सहल अभिक्रिया। याद होनी चाहिए, लिख लिख करके स्टूडेंट याद करेंगे। जोड़ना जानते हो, तीर के चिन्ह के सब लेफ्ट हैंड में, जेड एन प्लस दो एम एन ओ टू प्लस दो एन एच फोर प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन, पर वो कटेंगे इसलिए लिखने से कोई औचित्य नहीं है। राइट हैंड के सब राइट हैंड में, जेड एन प्लस टू, दो इलेक्ट्रॉन तो कटी गए, क्या बचा दो एम एन ओ ओ एच और साथ में दो एन एच थ्री, ये आ गई सहल अभिक्रिया। आपको याद करनी है, देखो ये कठिन तो नहीं है, ये कठिन है, इसको याद करें। दो एम एन ओ टू प्लस दो एन एच, सबके आगे दो लग रहा है, दो एन एच फोर प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन, दो एम एन ओ एच प्लस दो एन एच थ्री हो गई का। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये अपने प्रथम प्राथमिक बैटरी पढ़ी थी प्रथम, अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी पढ़ेंगे। क्लियर, इसको नोट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। वीडियो को पॉज करो फटाफट।